हेलो एवरीवन, आरएनसी 2019 जून में इंग्लिश का के पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी अभी बच्चों ने दिया है, बहुत इजी पेपर है। अगर मैं पेपर आपको शो करूं तो इसमें जो सेक्शन पहला सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है। 2 आवर्स का पेपर है। रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया है, ओके, और पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपको पोएम दी है। रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन अभी मैं नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बच्चे को, उसके पास राइटिंग स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसको यूज़ करने हैं अपने राइटिंग पार्ट में उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन माई लेटर वीडियो, ठीक है। स्पेशली हम लोग बात करेंगे रीडिंग और राइटिंग सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे पोएम के ही ये क्वेश्चंस हैं। देन सेक्शन बी इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, 50 मार्क्स का है ये भी। सेक्शन बी में यू हैव टू राइट एन एसे, इतने सारे एसेज आए हैं बेटा, और जिसमें से आपको किसी थीम में लिखना है। देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी। आपको एक सिचुएशन दी है, राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग, और इसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। सो इट्स नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम, बच्चों को बताना पड़ता है कैसे करते हैं। देन एक लेटर है और एक प्रेसी राइटिंग है, ठीक है। सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं हम, जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। विल स्टार्ट सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आप लोग सेक्शन सी टैली कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है, 55 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, ओके। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। डू एज डायरेक्टेड इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं हमसे और अकॉर्डिंगली विल आंसर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेवन, अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही सेड, आई नीड नॉट गो, चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये याद रखना है कि मस्ट नॉट एंड नीड नॉट के साथ मैं इनडायरेक्ट स्पीच में फॉर्म सेंटेंस का नहीं चेंज करता हूँ, या उसका टेंस चेंज नहीं करता हूँ, आप कह सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर, मैं डायरेक्टली आई एम राइटिंग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हुआ, ही नीड नॉट गो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया है, आई को ही बनाया है, उसके अलावा सारी चीज़ें एज इट इज आएंगी, ओके। अच्छा, बी क्या है इसका, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही स्पीक्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, यू हैव टू यूज़ एज इफ, ठीक है। तो एज इफ बेटा हम लोग इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जिसके साथ हमेशा वर आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर यूज़ करते हैं। तो बहुत ईजी है, क्या होगा सेकेंड होगा, ही स्पीक्स as if he were an educated person, ठीक है। तो बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि सर हमने वाई वी हैव स्किप्ड ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्वे कर रहा है इसी से, ही स्पीक्स एज ही वर, ही वर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो वर हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि बहुत एजुकेटेड होगा, ये इसका कहने का मतलब है, वो एजुकेटेड है नहीं लेकिन बोल तो ऐसे रहा है, ठीक है। सो ही स्पीक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री होगा देश का। तो ऐसे केसेस में, ऐसे इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज वर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लेट्स कम टू नाउ सी, ठीक है, सी में आते हैं, ओके। सी, ही लेफ्ट यस्टरडे, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, यू हैव टू बिगिन विद नोबडी, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ समझना पड़ेगा, ही लेफ्ट यस्टरडे, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, दोनों ही पार्ट्स सेंटेंसेस के पास्ट टेंस में है, दोनों ही पार्ट पास्ट टेंस में है। जब भी पास्ट टेंस में आपको दो एक्शंस देता है, जो प्रायर एक्शन है, जो एक्शन पहले हुआ है, उसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और पास्ट परफेक्ट का सिंटेक्स होता है हैड फॉलोड बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें कैसे पता चलेगा, ही लेफ्ट यस्टरडे, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, इसमें प्रायर एक्शन कौन सा है, पहले क्या हुआ, पहले उसने छोड़ा, पहले ही लेफ्ट, और उसके बाद किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो जो प्रायर एक्शन, एंड वी हैव टू बिगिन विथ नोबडी, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नोबडी इन्फॉर्म्ड मी। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है, एक्चुअली आई एम यूजिंग दैट स्टाइलस पेन, और आई एम यूजिंग दैट टच पैड, ठीक है। तो बच्चे मुझे लिखते हैं,
यूट्यूब में कि राइटिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है, मैं मानता हूँ राइटिंग मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन प्लीज़ बियर विद दिस, और मैं जब बोलता हूँ तो उसको आप नोट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं पर अगर वीडियो में कहीं पर मिस्टेक होता है तो प्लीज़, ठीक है, पॉइंट मी आउट ताकि मैं उसको दोबारा ठीक कर सकूँ आप लोग के लिए। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी मैं बोलूँगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लिखूँगा थर्ड फॉर्म, तो जो मैं बोलता हूँ वो भी सुनना ज़रूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, हाँ नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, ये तो हो गया आपका कौन सा एक्शन, क्योंकि हमें नोबडी से स्टार्ट करना है, ये तो हो गया आपका सेकेंडरी एक्शन जो सिंपल पास्ट में आया है। नोबडी इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी बिफोर ही हैड, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट yesterday, simple. So nobody informed me before he had left yesterday. ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ जो सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, had followed by third form of verb. Okay. अच्छा, next, it is better to lend than borrow. You have to change into positive degree. तो क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, it is, you have to change it into positive degree. तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हो जाएगा लेंडिंग इज बेटर देन बोरोइंग, लेंडिंग इज बेटर देन बोरोइंग, ठीक है, किसी से बोरो करने से अच्छा है किसी को कुछ देना। अच्छा, ई क्या है, ई पार्ट कह रहा है आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ, चेंज इन टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसको हम लोग ने अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ, क्या होगा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई लाइफ, ठीक है, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक 5 मार्क्स के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन, नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो आपको वन वर्ड देना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु इज एबल टू यूज हिज हर लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी तो उसमें जो वायरस होता है हीरोइन का फादर और जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, तो वो दोनों हाथों से लिखता है, इफ़ यू हैव सीन दैट, ठीक है, उसमें उसको जो एक्टर्स आमिर खान उसको वायरस नाम से चिल्लाता भी है, तो वो दोनों हाथों से लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, सो AMBI एम्बीडेक्स्ट्रस, TEXTROUS एम्बीडेक्स्ट्रस। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, और मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली इज ऑर्थोग्राफी, इज ऑर्थोग्राफी। राइटिंग इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम इज एपिटॉफ, वी कॉल इट एपिटॉफ, EPITAPH, एपिटॉफ, ठीक है। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज बिब्लियो फाइल, ठीक है, फाइल इज अ गुड वर्ड, फाइल मीन्स लव, बिब्लियो मीन्स बुक, ठीक है, सो लवर ऑफ बुक्स इज बिब्लियो फाइल, BIBLIO बिब्लियो फाइल, PHILE बिब्लियो फाइल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 and 8 वी हैव डन, नाउ लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, लेट मी जूम इट फॉर यू, ना क्वेश्चन नंबर 9 दिख नहीं रहा अच्छे से, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अब ये तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 में चूज द सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, मैंने बात करी थी सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है, चलो, तो पहला क्या है, पहला है वी मस्ट प्रिवेंट द प्रोलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, किसी का नंबर बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स से जाहिर सी बात है पीस तो होगा नहीं, वॉर ही होगा। अच्छा, द डिबेट हैज़ इंस्टिगेटेड
इंस्टिगेटेड अ फुल ऑफिशियल इंक्वायरी इन टू द इंसिडेंट. इंस्टिगेटेड का अगेन वी हैव टू राइट सिनोनिम. ये भी देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है ब्रैकेट में सिनोनिम. इंस्टिगेटेड का मतलब होता है उकसाना और उसको हम लोग कहते हैं इंसाइट, इंसाइट करना, उकसाना. इनिशिएटेड फोर्स्ड कॉज्ड नहीं हुआ. अच्छा एपैथी, एपैथी इज रिलेटेड टू सिंपथी. एपैथी मतलब हैविंग दया वाली भावना. ठीक है एपैथी फॉर द पुअर इज कॉमन टू ऑफिशियल्स ऑफ एवरी कैडल. ठीक है जाहिर सी बात है हम लोग जो गरीब होते हैं उनके प्रति हमारी हमारी जो दया होती है उसको एपैथी बोलते हैं. और इसका आपको एंटोनिम लिखना है. एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा? एंटीपैथी. एंटीपैथी मतलब हेट्रेड. अच्छा द फैक्ट ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल. ऑब्सक्योर्ड मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर. ठीक है तो जाहिर सी बात है उसका एंटोनिम क्या होगा? क्लेरिफाइड, सिंपल. अच्छा देखो अब आर एम सी ने भी क्वेश्चन नंबर ई के भी मैं बात करूँ नाइन्थ का ई पार्ट, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हैं. चार ऑप्शन क्या दिया है अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बॉर्न इन स्क्वेलिट सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम्स शी रोज टू स्टारडम ओवरनाइट. तो स्क्वेलिट मतलब होता है डर्टी, डर्टी सराउंडिंग्स. ठीक है तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? उसका एंटोनिम हो सकता है क्लीन, प्लेजेंट, डिसेंट. ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं लेकिन दे हैव नॉट गिवन यू फोर ऑप्शन. चलो लेट इट बी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. idioms very easy. It will be wise on your part to let the bygones be bygones. ठीक है जो चीज़ चले गई पास्ट में चले गई. ठीक है तो इग्नोर द पास्ट ना. वी शुड नॉट फोकस ऑन पास्ट. जो चीज़ गई तो गई, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है ओके ओके नेक्स्ट. आई डोंट नो वाई यू आर सो अपसेट. यू आर द वन हु थ्रू डाउन द gauntlet. ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इन्वाइट समवन टू फाइट. ठीक है इट इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब आपको आना चाहिए टू इन्वाइट समवन टू फाइट. ठीक है ओके द नेक्स्ट वन इज वी नाउ हैव अ सिचुएशन वेयर लॉज आर बेंट एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है इमीडिएटली. ठीक है डन इन एन इंस्टेंट. इसलिए ये सारी चीज़ें बेटा इसमें देर इज़ नो लॉजिक. ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है ये पढ़ना पड़ेगा, इनका मीनिंग देखना पड़ेगा एंड देन इसका इनका यूसेज बहुत ज़रूरी है. तब आप इसको अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो ऐसे फ्रेजेस को और ऐसे एडियम्स को. तब जाके आपका कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनता है. ठीक है तो आर एम सी में मैं बता दूँ इंग्लिश के पेपर में अगर आपके वोकैबलरी बहुत अच्छी है, एडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से आते हैं तो आपका बहुत पेपर अच्छा जा सकता है. आपकी राइटिंग भी सुधर सकती है उससे. राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग स्किल्स उससे सुधर सकते हैं. अच्छा आर एम सी डिबेटिंग क्लब हैज़ वन 6 ट्रॉफीज on the trot, so they are obviously on a roll. इसका मतलब है जाता है in the midst of success. अच्छा next है you can't count on Ramesh to help you. He is just a man of straw. Man of straw मतलब a man of no substance. ठीक है आप इसमें विश्वास नहीं कर सकते. So simple. So हमने question number 10 भी देख लिया है. अब fill in the blanks है. हमें verb use करना. We have to use verb. Okay. अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ब फॉर्म. ठीक है आपको ब्रैकेट में नाउन फॉर्म दिया, आपको उसका वर्ब फॉर्म यूज़ करना है. ठीक है तो बहुत इजी है अगर बच्चों को आता हो तो. शी वॉज ट्राइंग टू बी फ्रेंड. बी फ्रेंड क्या होता है? बी फ्रेंड वर्ब होता है बेटा. ठीक है वर्ब फॉर्म है. शी वॉज ट्राइंग टू बी फ्रेंड हर नेबर्स. ठीक है अपने नेबर से दोस्ती करना चाह रहे थे. ओके वन मस्ट नॉट ऑलवेज क्रिटिसाइज चिल्ड्रन. क्रिटिसाइज क्रिटिकली अगर मैं क्या यूज़ करूँगा? क्रिटिसाइज. लेट मी राइट हियर. Criticize. अच्छा if you prick your finger it will bleed. ठीक है bleed is a verb. bleed. okay presence of the police force will dash the feeling of security will heighten. heighten. this is a verb. ठीक है the presence of the police force will heighten the feeling of security. जितनी ज़्यादा police force आपको लगेगा कि उतनी security बढ़ गई है. ओके द स्टोरी ऑफ योर लाइफ हैज़ डैश माई बिलीफ इन द डेस्टिनी. स्ट्रेंथन. स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? वर्ब फॉर्म स्ट्रेंथन. स्ट्रेंथन. ठीक है तो अगेन सिंपल. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट में फ्रेजल वर्ब. अगेन फ्रेजल वर्ब भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखना कि हम लोग वर्ब के बाद वी यूज प्रपोजिशंस और उसका मतलब ही चेंज हो जाता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँगा पुट ऑन, तो पुट ऑन का मतलब ही चेंज हो गया. अगर मैं बोलूँगा ही हैज़ पुट ऑन लॉट्स ऑफ वेट का मतलब क्या है? कि उसका वेट बढ़ गया है. या ही हैज़ पुट ऑन अ नाइस ड्रेस मतलब उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है. तो पुट ऑन का मीनिंग ही एकदम चेंज हो जाता है.
तो फ्रेजल वर्ब्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये भी आपको याद करने, देर इज नो लॉजिक, आपको मीनिंग देखने हैं, याद रखना है, एंड देन ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग, टू हैव फॉलन आउट. टू हैव फॉलन आउट, फॉलन आउट का मतलब होता है टू आर्ग्यू और टू बिकम अनफ्रेंडली, ठीक है? तो कोई माइनर इशू होगा उनके बीच. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट्स वर डैश बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिस बिहेवियर, देवर पुल डाउन, देवर पुल डाउन, पुल डाउन मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट करना, स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट किया प्रिंसिपल और साथ में क्लास टीचर ने उनके मिस बिहेवियर के लिए, ठीक है? टू पुल डाउन, ठीक है? इनके मीनिंग्स आप जरूर देख लेना, ह्यूमिलिएट. ओके, द नेक्स्ट इज उसेन बोल्ट वॉज डैश बाई मैनी फैंस चीयर्ड ऑन, ठीक है? हम लोग शाउट करते हैं ना, उसको चीयर्ड ऑन कहते हैं, चीयर करना किसी को, चीयर्ड ऑन. प्लीज डैश द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, लुक इन टू, ठीक है? नहीं नहीं, इट्स नॉट लुक इन टू, इट्स लुक अप. लुक अप का मतलब है कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करना, इट्स लुक अप, नॉट लुक इन टू. आप सभी की मीनिंग देख लेना बेटा, टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन, लुक अप का मतलब होता है टू फाइंड सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, फाइंड सम इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसलिए मीनिंग्स देखने जरूरी हैं बेटा, ठीक है? नहीं तो नहीं होगा. अच्छा, द बॉय लुक्ड ग्रीन अबाउट द गिल्स, ये फिर से एक फ्रेज है, ग्रीन अबाउट द गिल्स का मतलब होता है टू बिकम इल, ठीक है? टू बिकम इल, टू बिकम इल. तो इसमें क्या है, द बॉय लुक्ड इल एंड इन नो टाइम मतलब कुछ ही पल में उसने ही थ्रू अप, थ्रू अप का मतलब है वॉमिट करना, उल्टी कर देना, ठीक है? ही थ्रू अप. ओके, सो नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि था फ्रेजल वर्ब, ठीक है? अब हम आते हैं हम रीराइट द सेंटेंस. हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़े से टेंसेस के रूल्स होते हैं जो बच्चों को आने चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में या इसको ऊपर करके देन वी विल राइट ऑल द सेंटेंसेस. ओके ओके, नाउ यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस. सबसे पहला क्या है, वी हैड नॉट इवन वॉक्ड 1 किलोमीटर, दे स्टॉप्ड अस, वी हैव टू बिगिन विद हार्डली. अब जितने भी ये सेंटेंसेज हैं उनका सिंटेक्स आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है? तो मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले क्या होगा, हार्डली, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, याद रखना. इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स भी इसे हम कहते हैं, हार्डली हैड वी, हार्डली इज इटसेल्फ नेगेटिव है, अब हम नॉट नहीं लगाएंगे. हार्डली हैड वी वॉक्ड, हार्डली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सो वॉक्ड आएगा. हार्डली हैड वी वॉक्ड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एंड हार्डली इज ऑलवेज फॉलोड बाई वेन. तो क्या हो जाएगा, वेन दे स्टॉप्ड अस, वेन दे स्टॉप्ड अस, ओके, वेन दे स्टॉप्ड अस, ओके. बी, द मेमोरी इज सो विविड दैट आई विल नेवर फॉरगेट इट. अच्छा, वी हैव टू यूज टू इन प्लेस ऑफ सो, ये तो आसान है, ये तो हर बच्चे ने मुझे लगता है कर लिया होगा. सो द मेमोरी इज, सो द मेमोरी इज टू विविड, टू विविड, टू फॉरगेट इट, forget it, okay? अच्छा, सी इज फूड एंड स्लीप वर ऑल वी केयर्ड अबाउट, वी हैव टू बिगिन विथ ऑल. सो क्या होगा, ऑल वी केयर्ड अबाउट, ऑल वी केयर्ड, सॉरी, ऑल वी केयर्ड अबाउट, अबाउट, ऑल वी केयर्ड अबाउट वॉज, वॉज फूड एंड स्लीप, ठीक है? क्योंकि फूड एंड स्लीप के लिए मैंने वॉज इसलिए यूज किया क्योंकि इट इज़ अ सिंगल आइडिया बेटा, फूड एंड स्लीप इज अ सिंगल आइडिया हियर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड एंड बटर हैं तो दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन ब्रेड एंड बटर को हम लोग सिंगुलर मानते हैं क्योंकि वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आई हैव यूज्ड वाज हियर. ओके ओके, नेक्स्ट, हर्बर्ट कंसल्टेड हिज पेरेंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर, वी हैव टू स्टार्ट विथ हर्बर्ट डिड नॉट, वेरी इजी. डी क्या होगा, हर्बर्ट डिड नॉट, डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड नहीं आएगा, एक्सेप्ट आएगा. हर्बर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, जॉब ऑफर बिफोर, बिफोर कंसल्टिंग हिज पेरेंट्स, बिफोर, बिफोर कंसल्टिंग his parents, ठीक है? सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब,
ऑफर बिफोर कंसल्टिंग स्पेनिश, ठीक है ओके, हमें हमें हर्बर्ट डिड नॉट से शुरू करना था। अच्छा ई लास्ट वन क्या है, पुट योर टूल्स अवे द चिल्ड्रन मे फॉल ओवर देम, यू हैव टू यूज लिस्ट, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और लिस्ट के साथ एक फॉर्मेट है उसके साथ हमेशा वी यूज शुड, तो क्या होगा हमें उसका यूज़ करना है तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं पुट योर टूल्स, पुट योर टूल्स अवे। अब मैं यूज़ करूँगा लिस्ट का, लिस्ट द चिल्ड्रन शुड, ठीक है हमेशा याद रखना लिस्ट शुड लिस्ट द, ये सिंटेक्स आने चाहिए बेटा, ठीक है थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट द चिल्ड्रन शुड फॉल ओवर देम, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, ये जो हमें चेंज करने पड़ते हैं सेंटेंसेस को, इसके लिए ग्रामर आना ज़रूरी है और कुछ सिंटेक्स आना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में सारे सिंटेक्स ही है बेटा, हम लोग टेंसेस को कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में क्या सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आई मेड वन वीडियो ऑल्सो, मैं बच्चों से कहता हूँ टेंसेस वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखना, उसमें मैंने एक्टिव पैसिव भी कवर किया, ठीक है चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है इसको फिर से जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ता है, यू हैव टू रीराइट इट, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसको यहीं पर हम ठीक कर देंगे, ठीक है यहीं पर ठीक कर लेते हैं फटाफट से। ओके सबसे पहले क्या है, वन ऑफ द रीजन ऑफ इस फेलियर, वन ऑफ द रीजन नहीं होता, वन ऑफ द रीजन्स होगा बेटा, क्योंकि वन ऑफ द है ना तो बहुत सारे रीजन्स होंगे, उनमें से एक रीजन होगा, सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ इस फेलियर, बस आपको एक्स्ट्रा एस लगाना होता है, वन ऑफ द रीजन्स ऑफ इस फेलियर इज हिज केयरलेस एटीट्यूड, ठीक है तो वो एक कारण है इसका, केयरलेस एटीट्यूड एक कारण है बहुत सारे रीजन्स में से, सो वन ऑफ द रीजन्स। अच्छा ही नीड्स नॉट टू गो, अच्छा ही नीड्स नॉट के साथ टू नहीं आता, ये सारे सिंटेक्स इंपॉर्टेंट हैं, सो ही नीड्स नॉट गो देयर। ओके दिल्ली कैपिटल वुड हैव वन IPL 2019 इफ दे वुड हैव प्लेड वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बेस्ड ऑन सिंटेक्स, ये पास्ट इमेजिनेशन से रिलेटेड है बेटा, क्या कह रहा है कि दिल्ली कैपिटल वुड हैव वन IPL इफ दे वुड हैव प्लेड वेल, तो ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली कैपिटल IPL जीत जाती अगर वो अच्छा खेलती, इसका मतलब वो नहीं जीती है, ये पास्ट इमेजिनेशन है कि अगर वो अच्छा खेलती तो जीत जाती, तो इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स है, ठीक है तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा सिंटेक्स के लिए, याद रखना है कुछ सेंटेंसेस हैं पास्ट इमेजिनेशन वाला है, सो दिल्ली कैपिटल वुड हैव वन IPL 2019 इफ दे हैड प्लेड वेल, ठीक है तो वुड हैव यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज सेकंड, ठीक है तो ये सिंटेक्स बेस्ड है, बच्चों को अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे आपको पूरा सिंटेक्स, तीन सिंटेक्स है इसमें, एक तो फ्यूचर इमेजिनेशन है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा तो RNC क्वालिफाई कर लूँगा, तो उसका एक अलग सिंटेक्स है, और एक इमेजिनेशन होती है जो ना ही पास्ट में होती है ना ही फ्यूचर में, वो हम इन जनरल कहते हैं, इन जनरल कभी हमारे फ्रेंड्स भी हमसे कहते हैं अरे यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है वो मेरी ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में, और कुछ पास्ट में इमेजिनेशन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने नहीं किया होता है, जैसे अगर मेरा RMC का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो मैं कहूँगा अगर मैं और पढ़ता तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता, तो वो पास्ट की इमेजिनेशन है, वही है ये, ठीक है ओके तो सिंटेक्स हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा डी क्या है, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर आर, ये आर इसने गलत कर दिया बेटा, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर इज द सब्जेक्ट नॉट पीपल, सो द नंबर इज सिंगुलर, तो आर की जगह क्या आएगा, इज 13, सो सिंपल। अच्छा इफ़ यू फ्रीज वाटर इट विल बिकम अ सॉलिड विल नॉट कम, इट विल बिकम सॉलिड, ठीक है इट इज़ अनकाउंटेबल बेटा, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये कोई क्यूब्स नहीं है बर्फ़ के जिसको आप काउंट करो, ये एक बर्फ़ है तो बर्फ इज़ नॉट काउंटेबल, आ नहीं आएगा, ठीक है ओके सिंपल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तो प्रपोजिशंस हैं, तो आई डिडेंट ब्रेक द वेज ऑन पर्पज़ का मतलब होता है इंटेंशनली डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, तो वो कह रहा है कि मैंने जानबूझकर वेज नहीं तोड़ा, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ऑन विल कम। अच्छा वी हैव टू पे आवर बिल्स बिफोर June 1st एट द लेटेस्ट, ठीक है बिफोर, ठीक है ओके। डू यू ऑफन ट्रैवल ऑन बिजनेस, ठीक है ये आपको सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन इट इज़ अ करेक्ट वे, ये रूल है
लोग ऐसे बोलते हैं, डू यू ऑफन ट्रैवल ऑन बिजनेस? ठीक है, तो इसमें आपको लगेगा कि फॉर बिजनेस होगा, नहीं, ऑन बिजनेसेस। जैसे फॉर मैं बोलता हूँ कि आई हैव टू ट्रैवल अलॉट ऑन वर्क, ठीक है, काम के वजह से मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, आई हैव टू ट्रैवल अलॉट ऑन वर्क, आई विल नॉट से फॉर वर्क। कंग्रेचुलेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑन, तो कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग हम लोग हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। द हाउस इज एट द थर्ड क्रॉस रोड्स, ये तो प्लेस है तो एट आएगा, एट द थर्ड क्रॉस रोड्स आफ्टर द ब्रिज। ठीक है, चलो किसी के कोई और सजेशंस होंगे प्रिपोजिशन से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, अगर किसी को कुछ और लगता है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, 16 क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं फटाफट से, और फिर 17 है तो हमारा इंग्लिश का पेपर पूरा हो जाएगा। ओके, इफ द पेन शुड रिटर्न, अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, द पेन शुड रिटर्न, बेटा शुड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्यूटी एज वेल एज फॉर गिविंग एडवाइस। डॉक्टर जब हमें कभी दवाई लिखता है ना, तो डॉक्टर कभी हमें पैरासीटामोल देता है कि अगर अगर बुखार आ गया तो एक दवाई खा लेना, तो वैसे कह रहा है इफ द पेन शुड रिटर्न टेक अनदर ऑफ दिस पिल्स, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर अगर दर्द हुआ तो तभी दवाई खा लेना। ठीक है, सो शुड विल कम, वी यूज शुड फॉर गिविंग एडवाइस ऑल्सो। अच्छा, इफ यू इन्वाइट हिम ही माइट कम, ठीक है, ही माइट कम पास्ट में, पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी का पास्ट फॉर्म आएगा। ही डैश नॉट हरी, ही नीड नॉट हरी, बेटा ही नीड नॉट हरी, ठीक है, नीड के साथ नेगेटिव में टू नहीं आता, और ये सिंपल सेंटेंस है, ही नीड नॉट हरी, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। आप जनरली कह रहे हो कि आप कि जल्दी मत करो, बहुत टाइम है। ही नीड नॉट हरी, शुड विल नॉट कम, ऑट टू विल नॉट कम, देर इज नो नेसेसिटी, जब नेसेसिटी होती है तब देन वी यूज ऑट टू शुड, ठीक है, सो नीड विल कम। अच्छा, वन शुड या वन मस्ट, इट्स अ ड्यूटी बेटा, वन शुड सर्व वंस कंट्री, यू नो इट्स अ ड्यूटी, इट्स नॉट मस्ट, इट्स नॉट मस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन जाके भी काम करते हैं, लेकिन इट्स अ ड्यूटी, ड्यूटी में हम हमेशा शुड यूज़ करते हैं। अगर टीचर मुझे कोई ड्यूटी देता है, यू शुड डू योर होमवर्क, ना, द टीचर विल नॉट से दैट यू मस्ट, टीचर विल से यू शुड, सो शुड विल कम। अच्छा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये तो एक फ्रेज है, ये तो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, और इसमें दो क्लॉजेस हैं बेसिकली हमारे, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज जब सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हम लोग हमेशा मे का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये तो सिंपल फ्रेज है, आपने बहुत बहुत जगह देखा भी होगा। सो वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट आर्टिकल्स अ एंड आपको लगाना है और दा लगाना है, ठीक है, अगर कहीं पर अगर आपको लगता है इफ नेसेसरी यू हैव टू पुट दिस साइन अगर आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आई डोंट नो व्हाट द प्राइस, क्योंकि दैट इज स्पेसिफिक ना, व्हाट द प्राइस द ओनर्स आर आस्किंग, ठीक है, द ओनर्स, तो वो स्पेसिफिक है बेटा, द ओनर्स आएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन सा प्राइस वो ओनर्स मांग रहे हैं, ठीक है, द प्राइस कोई स्पेसिफिक प्राइस होगा जो वो मांग रहे होंगे इसलिए द आया, वो ओनर्स भी स्पेसिफिक होंगे। बट कमल एंड सोम आर डैश एजेंट्स, आर द एजेंट्स, आर द एजेंट्स, ठीक है, प्लूरल है, द आएगा। यू कुड गिव देम अ रिंग, ना, यू कुड गिव देम अ रिंग एंड मेक देम एन ऑफर, ठीक है, यहाँ पर एन आ गया, ये तो बहुत इजी था, ठीक है, और लास्ट में आरएमसी वालों ने आप लोगों के लिए लिखा है ऑल द बेस्ट, ठीक है, मैं भी कहूँगा ऑल द बेस्ट, और यही सोचूंगा कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जो रीडिंग एंड राइटिंग वाला पार्ट है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसकी तैयारी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी तैयारी हम लोग कराते हैं बच्चों को, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 5th of June से हमारा आरएमसी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट्स हैं दिसंबर वाले, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप एकेडमी ज्वाइन करो, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर एकेडमी, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों को ये पता चले कि सोल्यूशन है, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।